आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। देख रहे हैं आप, हमारा शूटिंग लोकेशन पूरी तरीके से जर्द हो चुका है, पत्ते जो थे वो पूरी तरीके से पेड़ों पर ज़मीन पर आ गए हैं, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से लगातार कई महीनों तक गर्मियाँ, उसके बाद मौसम बरसात, तभी इस जंगल में वापस बहार आएगी। लगातार ये हमारा शूटिंग लोकेशन जो है वो जर्द होता जा रहा है। ये देखिए, ये सारे के सारे पत्ते जो है ज़मीन पर आ चुके हैं। बात हम कर रहे हैं दास्तान की, जैसे कि हर हफ्ते हम आपको सुनाते हैं एक नई दास्तान, ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू से। आज फिर आपको हम सुनाएंगे एक नई दास्तान, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने खोज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर कर दें, और एक काम करें, अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। आपके ख्यालात के इजहार जो होते हैं, दरअसल वो खोज इंडिया की ताकत होती है। आपके मशवरों से ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप इसमें हमारी लगातार मदद कर रहे हैं, तो लिहाजा कमेंट ढेर सारे कीजिए और बताइए कि हम और कैसे बेहतर ये काम कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सुनाता हूँ एक दास्तान 1857 के गदर के ज़माने की। दरअसल अभी गदर वाक़ नहीं हुआ है, गदर से कुछ अरसा पहले की बात है, साल भर पहले की, आप समझ लीजिए। बहादुर शाह जफर का लाल किला, उसमें खुशी हंसी रहते हुए कई मुग़ल परिवार जो उसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हीं में एक शहज़ादी माए जमाल का ये वाक़या है। सुबह का वक्त है, फजर से पहले का वक्त है, माए जमाल बिस्तर पर आराम कर रही हैं और उनके पैरों में गुदगुदियाँ हो रही हैं। वो कहती हैं, दिलशाद गुदगुदियाँ ना कर, अभी मुझे सोने दे, मेरा सोने का जी चाहता है, मुझे सोने दे। तो दिलशाद कहती है, गुदगुदियाँ मैं नहीं कर रही हूँ, गुदगुदियाँ तो ये गुलाब का फूल आपके तलवों में कर रहा है, दरअसल वो आँखें मल रहा है आपके पैरों से, उठिए आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, मैं इस फूल को मसल डालूंगी। गुस्से में माँ जमाल कहती है, इतने सवेरे मुझे क्यों चकाती है, मेरा दिल अभी सोने को चाहता है, ज़रा सुंदरी को बुला, बांसुरी बजा दे, हल्के सुरों में भैरवी सुना दे, गुलचमन कहाँ है चुप्पी करे, तू कहानी एक काम कर, तू कहानी कहना शुरू कर, ताकि मैं फिर सुनते सुनते सो जाऊँ। तो दिलशाद कहती है, कहानी कहोगे तो मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे, कहते हैं कि दिन में कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे, आज भी ये कहावत बहुत आम है। सुंदरी जो है वो बांसुरी बजा रही है, भैरवी गा रही है। माँ जमाल ने आंखें खोल दी, बालों को समेटा, मुस्कुराई, कलमा पढ़ा, नरगिस ने सलाम किया, जवाब में इसकी एक चुटकी ली, अंगड़ाई लेकर उड़ बैठी और कहा, दिलशाद हमने नरगिस की चुटकी ली है, तू हंसी नहीं, मुंह बना लिया, आह तुआ तेरे कान मरोड़ू तब तू खूब हंस ले। दिलशाद उठकर भाग गई, दूर खड़ी होकर खूब कस के मुस्कुराने लगी और खिलखिला के हंसने लगे, कहा कि देखो मैंने हंस भी दिया, अब आप ये समझिए कि आपने मेरा कान मोड़ दिया। बहरहाल माँ जमाल ने फिर अंगड़ाई ली और मुस्कुराती हुई तश्त चौकी पर गई, वजू किया, नमाज पढ़ी, सहन में निकली, बाग के पास तख्त पर बैठ गई, कुरान शरीफ शुरू किया, सब लौंडियाँ फर्श के दुरुस्ती में लग गईं, नाश्ते का सामान करने लगी। माँ जमाल तिलावत से फारिग हुई तो मालन जो थी वो चंगीर में चंद हरी मिर्चें लेकर हाजिर हुई। पहले माँ जमाल की बलाएँ लीं, दुआएँ दीं, फिर बोली, सरकार आज हुजूर के लगाए हुए पौधों में मिर्चें लगी थीं, नजर के लिए लाई हुई। माँ जमाल ने शंगीर ले ली, सब लौंडियों को पुकारा और मिर्चों की आमद से महल में एक धूम मच गई। नरगिस ने कहा, कैसी चुपचाप शंगीर में लेटी हैं, जैसे बीवी
छप्पर खड़ में सोती है। गुल चमन बोली, डाली से टूटी हैं, घर से छूटी हैं, इसलिए ज़रा चुप चुप हैं। अब वो मिर्चों को लेकर जो है सारी जो नौकरानियाँ थी, दरअसल जो सहेलियों की तरह थी माया जमाल की, वो तरह तरह की बातें कह रही हैं, कहावत कह रही हैं, मिसल कह रही हैं उन मिर्चों को देखकर। माया जमाल ने कहा, मालन को जोड़ा दो, कपड़े पहनाओ, 5 रुपये नकद भी देना, मेरे दरख्तों का पहला फल लाई है, इसका मुँह भी मीठा करवाना। मालन को रेशमी जोड़ा मिला, चांदी के कड़े पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए, 5 रुपये नकद और एक पान का बीड़ा मिला। वो दुआएं देती हुई अपने घर चली गई। यहाँ अम्मा जान को लौंडी खबर देने पहुँची कि बीवी के दरख्तों का पहला फल आया है। वो बराबर के मकान से आई, मुगलानी साथ साथ थी, बेटी की बलाएँ ली। माँ जमाल ने आदाब किया, अम्मा और मुगलानी ने मिर्चों की खूब तारीफ़ें की और थोड़ी देर तक मिर्चों का गलगला घर में बरपा रहा। माँ जमाल खुर्शीद जमाल की इकलौती बेटी थी। इसके वालिद मिर्ज़ा अली गौहर उर्फ मिर्ज़ा नीली शाह आलम के बेटे अकबर सानी के भाई थे जो मर चुके थे। खवासों से इनके कई बेटे थे मगर बेगम से सिर्फ माँ जमाल एक लड़की पैदा हुई थी और वो भी बुढ़ापा आ जाने के बाद। जब मिर्ज़ा नीली मरे तो माँ जमाल की उम्र 5 साल की थी। अब माशाल्लाह 15वीं साल में है, सूरत सांवली है, चेहरा किताबी है, कद म्याना है, आँखें स्याह और बेहद रसीली है, मखमूर है, आवाज़ में कुदरती दर्द है। जब हंस के बोलती हैं तो ये मालूम होता है कि कोई मरसिया पड़ गया। सुनकर कलेजे में चोट लगती है। वो बहुत चंचल, शोख, आराम तलब और नाजुक मिजाज है, लाड प्यार में पली हैं, शहजादी हैं, बिन बाप की इकलौती हैं और कुछ फितरी ज़िद्दी और हटीली हैं। बदन बहुत दुबला है, चलती हैं तो गैर मसनूई अंदाज से बदन को झुकाती हैं, फूलों की टहनी की तरह इधर उधर झकोले खाती हुई चलती हैं, ठोकरें कदम कदम पर लगती हैं, लौंडियाँ साथ दौड़ती हैं, बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर कह जाती हैं। फूल वालों की सैर थी। बहादुर शाह अपने महल में जो हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब के दरवाज़े के करीब बना हुआ था तशरीफ़ रखते थे। बेगमात अंदर थी मगर खुर्शीद जमाल और माँ जमाल दूसरे मकान लिया था क्योंकि मिर्ज़ा नीली के वक्त से इनकी और बहादुर शाह जफ़र की अनबन थी। बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ 1,00,000 रुपया देते थे, इनमें से 1,000 रुपया महीना खुर्शीद जमाल को अलहदा भेज दिया जाता था। सस्ता समा था, 1,000 रुपया आजकल के 1,00,000 रुपयों के बराबर थे और खुर्शीद जमाल खूब ऐश व आराम से ज़िंदगी बसर करती थी। जिस शाम पंखा चढ़ा, माँ जमाल असर के वक्त से बरामदे में छिलमन के पास बैठी थी, नफरी बज रही थी। दिल्ली के हिंदू मुसलमान जर्क बर्क कपड़े पहने पंखों के साथ थे, दुकानें आरास्ते थी, सक्के जो थे वो लगातार सक्के पानी पिलाने वालों को कहा जाता है वो भी इसमें हर जगह दिखाई दे रहे थे और कोई एक ख़ास आलात थे मौसीकी के जिसको वो बजा रहे थे। मगरिब का वक्त आया तो खुर्शीद जमाल ने लौंडियों से कहला भेजा कि पहले आन कर नमाज पढ़ लूँ फिर तमाशा देखना। माँ जमाल उठी तो चलते वक्त उसने देखा कि एक फ़कीर सफ़ेद कफनी पहने, जर्द चेहरा, नंगे सर, नंगे पांव पंखे के पास से गुजर कर इसको देखता हुआ चला गया। इसकी सूरत और कफनी देख कर माँ जमाल डर गई। नमाज में भी इसी ख्याल का रहा, सैर से फारिग होकर सोई तो हल्का हल्का बुखार था। ये फूल वालों की सैर आज भी होती है, दरअसल एक फेस्टिवल है जो मुग़लों के ज़माने से चला आ रहा है दिल्ली में। गंगा जमनी तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है फूल वालों की सैर। दोपहर को बुखार तेज़ हो गया। माँ जमाल चौंकती थी और कहती थी, वो कफनी वाला आया, वो मुझको बुलाता है, अम्मा जी आना, वो देखो खड़ा मुस्कुराता है। माँ जमाल जैसे उस कफन पोश फ़कीर को देख कर डर गई थी। माँ ने लौंडियों से पूछा, उन्होंने कहा, एक फ़कीर कल शाम को कफनी पहने जाता था, बीवी नमाज के लिए उठी तो छिलमन का पर्दा हट गया, फ़कीर ने इनको घूर कर देखा और बीवी ने उसको देखा, उसके बाद वो कहीं चला गया। खुर्शीद जमाल ने नौकरों को हुक्म दिया कि इस हुलिये का फ़कीर जहाँ मिले उसको पकड़ कर लाओ। नौकर सारे मेले में ढूंढते फिरे, शाम के करीब वो फ़कीर मिला, उसका साथ लेकर मकान पर आया। खुर्शीद जमाल ने पर्दे के पास बिठा कर लड़की का हाल बताया। वो बोला, मुझे अंदर ले चलो, मैं दम कर दूंगा, अच्छी हो जाएगी। खुर्शीद जमाल ने अंदर पर्दा कराया, फ़कीर को पलंग के पास खड़ा किया। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथों अपने रुखसारों पर रखे और कुछ देर चुप खड़ा रहा और फिर कहा, लो लड़की अच्छी हो गई। देखा तो वाकई बुखार उतर गया था। माँ जमाल उठी बैठी, खुर्शीद जमाल और सब लौंडियाँ हैरान हो गईं। फ़कीर को बिठाया, कुछ रुपये कपड़े 2 थान कपड़ों के नज़र किए। फ़कीर ने कहा, ये सब मैं नहीं लेता, मुझे लड़की की सूरत दिखाओ वरना फिर बीमार हो जाएगी।
خورشید جمال نے پہلے تو کچھ تامل کیا، پھر خیال کیا فقیر تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ پردہ ہٹایا گیا، ماں جمال نے فقیر کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ فقیر نے ماں جمال کو دیکھا اور برابر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بھلا ہوا بابا، کچھ دیر کے بعد بھلا ہو بابا کہہ کر اٹھا اور چل دیا۔ 30 برس کا جوان رہا ہوگا مگر بیمار معلوم ہوتا تھا، چہرہ پر زردی بہت زیادہ تھی، سفید کفنی کے سوا کوئی کپڑا اس کے پاس نہ تھا، آنکھیں ایسی معلوم ہوتی تھی گویا روتے روتے سوج گئی ہوں۔ دراصل یہ شخص جو تھا وہ مالن جو ہری مرچ لے کر آئی تھی اس کا بیٹا تھا، جو ماں جمال کے باغ کے محافظ تھی۔ ماں جمال کو 1 سال پہلے اس نے باغ میں دیکھا تھا۔ اپنی غریبی اور ماں جمال کی شان کا خیال کر کے اس کو ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس تکلیف کو کسی کے سامنے بیان کرے، جو ماں جمال کے دیکھنے سے اس کو خود بخود اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ دراصل اس نے ماں جمال کو جب پہلی نظر میں دیکھا تو وہ ماں جمال کا عاشق ہو گیا اور وہ ایک طرفہ عشق کرنے لگا اور لگاتار اس کے عشق میں ڈوبا رہا۔ 6 مہینے بہت پریشان رہا، ایک دم دیوانوں کی طرح اپنی زندگی کر لی، لیکن ہمت نہیں تھی ایک معمولی آدمی کیسے شہزادی کو کہہ سکے اپنے دل کے حالات۔ اس کے بعد اس کو ایک جوگی ملا جس سے اس نے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ جوگی نے ایک کفنی یعنی ایک کرتا نکالا اور اس کو پہنا دیا اور کہا جا یہ پہنے رہا، اس کفنی سے تیرا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ کفنی پہنتے ہوئے وہ نیم مجذوب ہو گیا، گھر بار چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا۔ 6 مہینے تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ 6 مہینے بعد اب پھر آبادی میں آیا جہاں اس نے پھر ماں جمال کو دیکھا، مگر اب اس کے دیکھنے میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ ماں جمال کو اس نے ایک نگاہ دیکھی تو ماں جمال بیمار پڑ گئی۔ 14 ستمبر 1857 کو ایک رتھ نجب گڑھ کی طرف کھڑا تھا، خاکی وردی کے فوجی سپاہی اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خاکی وردی سے مراد انگریز سپاہی ہوا کرتے تھے۔ اب بات 14 ستمبر کی ہو رہی ہے، لال قلعہ لٹ چکا ہے، غدر پوری طریقے سے واقع ہو چکا ہے، بہادر شاہ ظفر وغیرہ سب لال قلعے کو چھوڑ کر ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلے گئے ہیں، شہزادوں میں در بدر ہیں۔ اگلے 10-12 دن میں مرزا مغل وغیرہ کی سب کی شہادت ہو جائے گی۔ غالباً 23 ستمبر کو مرزا مغل کو پھانسی دہلی کے خونی دروازے پر دے دی گئی تھی۔ تو اب 14 ستمبر 1857 کی بات کر رہے ہیں، نجف گڑھ کے قریب ایک رتھ کھڑا ہوا ہے، خاکی وردی کے سپاہی اس کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب لشکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس رتھ میں خورشید جمال، ماں جمال اور 2 لونڈیاں سوار تھیں، باہر 4 نوکر تلوار لیے کھڑے تھے۔ فوج والے کہتے تھے ہم اندر کی تلاشی لیں گے، اس میں کوئی باغی پوشیدہ ہے۔ بیگم کے نوکر کہتے تھے اندر عورتیں ہیں، ہم پردہ نہ کھولنے دیں گے۔ بس نوبت لڑائی کی آ پہنچی اور تلواریں کھنچ گئیں، تلواریں چلیں اور سب ایسے لڑے کہ ایک بھی بند زندہ نہ بچا۔ فوجیوں نے رتھ کا پردہ الٹ دیا، عورتوں کو دیکھا اور زیور کا صندوق ان سے چھین لیا۔ اس کے علاوہ جس قدر اسباب تھا وہ سب لوٹ کر آگے بڑھ گئے۔ رتبان بھاگ گیا، بیگم لوڑیوں کو لے کر نجف گڑھ کی طرف چلیں کہ اتنے میں چند گاؤں کے گجر لٹھ لیے ہوئے آئے اور ان سے زیورات اور کپڑے مانگنے لگے۔ بیگم نے کہا ہم کو تو فوج والوں نے لوٹ لیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، تم رتھ اور بیل لے لو۔ مگر گجر نہ مانے اور انہوں نے زبردستی ان کے برقعے اتار ڈالے۔ پیجاموں کے سوا تن پر کوئی پیجامہ اور کرتوں کے علاوہ تن پر کوئی کپڑا نہیں چھوڑا۔ خورشید جمال اور لونڈیوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا۔ ایک گجر نے خورشید جمال کے سر پر لکڑی مار دی اور دوسرے نے لونڈیوں پر لکڑیوں کے وار کیے۔ ماں جمال ڈری سہمی چپ چاپ کھڑی تھی، اس کو کسی نے نہ چھیڑا۔ خورشید جمال کا سر پھٹ گیا، خونم خون ہو گئی اور وہیں تڑپ کر مر گئی۔ وہی حال لونڈیوں کا بھی ہوا، وہ بھی تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئی۔ ماں جمال روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی لاش ہے، نہ لونڈیاں ہیں اور نہ وہ جنگل ہے۔ جب ہوش آیا ماں جمال کو، اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے جہاں پر نہ لاش ہے، نہ لونڈیاں ہیں، نہ جنگل ہیں۔ وہ ایک گھر کے اندر چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، سامنے ایک گائے بندھی کھڑی تھی، چند مرغیاں صحن میں پھر رہی تھی اور ایک میواتی 40-50 برس کی عمر کا سامنے بیٹھا اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ ماں جمال کو پھر رونا آ گیا اور اس نے میواتی کی بیوی سے مخاطب ہو کر پوچھا میری اماں کہاں گئی؟ میواتن نے کہا وہ مر گئی تھیں، ان کو دفن کر دیا گیا ہے، تم کو یہاں لائے ہیں، تم کچھ کھاؤ گی؟ لو کھیر پکی ہے، کھا لو۔ ماں جمال نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میواتن پاس آ گئی، اس نے دلاسہ دینا شروع کر دیا اور کہا بیٹی صبر کر، رونے سے کیا ہوتا ہے، اب تیری ماں زندہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ، تو کون ہے، تیرا باپ کہاں ہے اور تو کہاں جاتی تھی؟
माँ जमाल ने कहा, मैं दिल्ली के बादशाह के ख़ानदान से हूँ। मेरे अब्बा जान 11 बरस हो गए मर गए। हम गदर के भागड़ में घर से निकले थे। नजफगढ़ में हमारे बाग का माली रहता था। इसके घर में जाना चाहते थे कि रास्ते में पहले फ़ौज वालों ने लूटा, फिर गुजरों ने लूटा। अम्मा और लौंडियाँ भी हलाक हो गई। मार डाला कहते कहते वो फिर रोने लगी। चंद रोज माया जमाल में वतन के घर आराम से दिन गुजार रही थी। अगरचे वो पिछले वक्त को याद करके रोती थी, लेकिन मेवातन की मोहब्बत के सबब इसको किसी बात की तकलीफ ना थी। पकाई रोटियां मिल जाती थी। ताहम माँ जमाल को ये घर इसकी सादगी फिर भी काटे खाती थी। रह रहकर उसे वो पिछला ज़माना, ऐशो इशरत का ज़माना याद आता था। एक रात को माँ जमाल और मेवातन और इसका खावंद अपने मकान में सोते थे कि पड़ोस के एक छप्पर में आग लग गई और आग वहाँ से बढ़कर इनके छप्पर में भी आ गई। धुएं के भू से माँ जमाल की आंखें खुल गई। वो चीख उठी तो मेवातन भी उठ पड़ी। कुछ जेवर घर के अंदर रखा हुआ था, उसको लेने के लिए अंदर भागे। माँ जमाल घर से बाहर भागी। कोठे का जलता हुआ छप्पर गिर पड़ा। वो दोनों मेवातन और मेवाती जो थे वो जलकर उसमें बेचारे मर गए। कस्बे वालों ने बड़ी मुश्किल आग बुझाई, मगर माँ जमाल का यह ठिकाना भी खाक का ढेर बनकर रह गया। सुबह जली हुई लाशें कस्बे वालों ने दफन की। माँ जमाल को एक नंबरदार अपने घर ले गया। इसके कई बच्चे, दो बीवियाँ थीं। माँ जमाल को एक चारपाई सोने को दे दी गई। वो दिन तो गुजर गया। रात को एक बीवी ने कहा, अरे लड़की दूध चूल्हे पर रख दे। दूसरी बोली, अरे इधर आ मेरे बच्चे को सिला दे। एक वक्त में दो हुक्म सुनकर माँ जमाल सरा घबरा गई। उन्होंने न कभी दूध को चूल्हे पर रखा था, न किसी बच्ची को लोरियां देकर सुलाया था। ताहम वो दूध उठाकर चूल्हे पर रखने चली। चूल्हे के करीब आकर ठोकर लगी, हांडी हाथ से गिर पड़ी और टूट गई। सब दूध बिखर गया। आवाज़ सुनकर नंबरदार की बीवी दौड़ कर आई और दूध गिरा हुआ देखकर एक दो थप्पड़ माँ जमाल के गालों को मारा और गालियाँ देना शुरू कर दी। मार खाने और गालियाँ सुनने का ये पहला मौका था। माँ जमाल खड़ी थी, थर थर कांप रही थी। दूध के कपड़ों पर भी गिरा था। कभी वो कपड़ों को देखती, कभी नंबरदार की बीवी को देखती जो लगातार गालियां बक रही थी। आखिर वो दीवार का सहारा लग कर खड़ी हो गई और बेख्तियार रोने लगी। माँ जमाल को रोता देखकर नंबरदार की बीवी को फिर गुस्सा आया। उसने अब जूतियां निकाल ली और दो तीन जूतियां इसके चेहरे पर मारी और कहा, अब तू मुझको रो रो कर डराती है। मोई डायन में वातन को खा गई, अब यहाँ किसको खाने आई है। मेरा सारा दूध फेंक दिया, खुदा रखे मेरे बच्चों को। दूध के चूल्हे के सामने गिरना बड़ा मनहूस होता है, खबर नहीं तेरा आना क्या मुसीबत लाएगा। माँ जमाल के चेहरों पर जूतियाँ पड़ी थी, वो बिलबिला उठी थी। इसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया था। इतने में नंबरदार आ गया। उसने जो ये शोरगुल सुना तो वो भी वहाँ आया। माँ जमाल वहाँ से भागकर अपनी चारपाई के पास आ गई। नंबरदार ने बीवी से पूछा क्या हुआ। उसने सारा किस्सा बयान किया। इसने कहा, चलो खैर जाने दो, गरीब औरत है, ख़ता हो गई, कुछ ख्याल ना करो। दूसरी बोली, ये गरीब नहीं बड़ी कतामा है। मैंने आवाज़ दी कि ज़रा बच्चों को सुला दे तो कानों में बोल मार कर चुप हो गई, सुनी अनसुनी कर दी। तुमको इसने बेगम बनाकर लाए हो या नौकर बनाकर? नौकर है तो इसको काम करना पड़ेगा। नंबरदार ने कहा, मैं तो लावारी समझ कर लाया हूँ, इसको काम करना चाहिए, हमको एक नौकर औरत की ज़रूरत भी थी। माँ जमाल ने डरते डरते कहा, मुझको नौकरी करनी नहीं आती थी, तुम मुझको सिखा दो। तकदीर ने ये वक्त तो मुझ पर डाला मगर नौकरी ना सिखाई। मेरे सामने तो लौंडियाँ काम करती थी, मैंने तो कभी कुछ काम नहीं किया। ये कहते कहते इसको रोना आ गया और हिचकियाँ बंद गई। नंबरदार ने कहा, रो मत, रफ्ता रफ्ता सब काम आ जाएगा। इसके बाद कुछ खाने को दिया मगर माँ जमाल से खाया ना गया और वो यूं ही पढ़कर सो गई। सुबह को नंबरदार की बीवी ने ज़ोर से झिझोड़ा और कहा, अरे उठती है, कब तक सोएगी? झाड़ू देने का वक्त हो गया। माँ जमाल को याद आया कि दिलशाद नरगिस सुंदरी किस तरह जगाया करती थी। या वो वक्त था या ये वक्त है। ठंडी सांस भर कर उठी। हस्ब आदात दो चार अंगड़ाइयाँ ली। नंबरदार की बीवी ने धक्का देकर कहा, नहुसत फैलाती है, उठती नहीं। इस वक्त माँ जमाल ने जाना कि अब वाकई वो लौंडी बन गई है, शहजादी नहीं रही। फ़ौरन उठी मगर आंसू लगातार इसकी आंखों से बरस रहे थे। नंबरदार की दूसरी बीवी ने कहा, इस औरत का गुजर हमारे घर में ना होगा, हर वक्त रोती है, बाल बच्चों के घर में इसका मनहूस कर रहना ठीक नहीं। इतने में नंबरदार आ गए। उसने बीवियों के कहने से माँ जमाल को खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दिया। माँ जमाल ये ख्याल कर रही थी कि इतने में वो कफनी वाला फ़कीर सामने आ गया और माँ जमाल को देख कर खड़ा के खड़ा रह गया। माँ जमाल भी इस नागहानी मुलाकात का बहुत असर हुआ और वो भी कुछ गुमसम सी हो गई। अगरचे वो इसी मुसीबत के हाल में, उसको तन बदन का होश ना था, ताहम फ़कीर
और उसकी कफनी, इसकी जर्द सूरत और लाल आँखें का ऐसा असर इस पर हुआ कि तमाम बदन में सनसनाहट होने लगी। फ़कीर ने कहा, मेरी मलका तुम कहाँ, तुम यहाँ कहाँ? माँ जमाल ने मेरी मलका का लफ्ज़ सुना तो लिहाज से मुँह फेर लिया और कहा, मुझको तकदीर यहाँ पर ले आई है। और फिर सारा किस्सा बयान किया। इसने कहा, मेरा घर तो करीब है मगर मैंने कभी तुम्हारा हाल ना सुना, चलिए मेरे घर पर चलिए। माँ जमाल इसके पीछे पीछे चली, वो अपने घर में ले गया मालन। और वो मालन से माँ जमाल का हाल कहा, वो दौड़ी हुई आई और माँ जमाल के कदमों में गिर पड़ी और परवानों की तरह उस पर कुर्बान होने लगी। उसके बाद बड़ी इज्जत से चारपाई पर ले जाकर बैठाया और हालात पूछती रही और कहा, बेगम ये घर आपका है, मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। आपके घर की बदौलत खुदा ने माल कल रखा है, अब आप इस घर की मालिक हैं और मेरा बेटा ग़ुलाम और मैं आपकी लौंडी हूँ। मालन ने अपनी हैसियत के मुआफिक इस कदर आराम माँ जमाल को पहुँचाया कि वो मुसीबत को भूल गई। इसने देखा कि मालन के लड़के के पास दूर दूर से बीमार आते हैं, वो पहले अपनी कफनी पर हाथ मलता है, फिर दोनों रुखसारों पर उनको रखता है और आँखें कुछ देर बंद करके खोल देता है और कहता है कि जाओ तुम अच्छे हो गए हो, सब बीमार आन की आन अच्छे हो जाते हैं। माँ जमाल कई रोज़ तक ये तमाशा देखती रही तो उसने मालन से पूछा, तेरे लड़के में ये ताकत कहाँ से आ गई? इसने मुझको भी एक दिन इसी तरह अच्छा कर दिया था। मालन ने हाथ जोड़कर कहा, बीवी जान की अमान पाऊँ तो कहूँ। माँ जमाल ने कहा, अब मैं जान की अमान देने के काबिल नहीं हूँ, तुम कहो। मुझे इस भेद के मालूम करने का शौक़ है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये ताकत तुम्हारे बेटे के पास कहाँ से आई। मालन ने कहा, बेगम मेरे लड़के को तुमसे मोहब्बत हो गई थी और तुम्हारे फराक में इसने बहुत दुख उठाया, आखिर एक फ़कीर ने इसको ये कफनी दी। ये इसकी बरकत है जिससे हज़ारों को फैज़ पहुंच रहा है और खुदा ने घर बैठे तुमको भी यहाँ भेज दिया। इस बात को सुनकर माँ जमाल के ऊपर एक बहुत गहरा असर हुआ और वो कुछ सोच में डूब गई। उसके बाद उसने मालन को कहा कि आप काजी बुलवाइए और मेरा निकाह आप अपने बेटे से कर दीजिए। मालन ये सुनकर तो कुछ देर तक होश में ही नहीं थी, एक अजीब सी बात सुन रही थी, माँ जमाल उसकी बहू बनने जा रही थी। बहरहाल मालन बहुत खुश हुई और उसके बाद काजी को बुलवाया गया और उसने माँ जमाल का निकाह उस कफनी वाले फ़कीर के साथ कर दिया। इस तरीके से माँ जमाल की ज़िंदगी बीतने लगी। बहरहाल माँ जमाल की जो ज़िंदगी थी वो अब खुशी हंसी उस कफनी वाले फ़कीर के साथ बीतने लगी और ता ज़िंदगी उस फ़कीर ने उस कफनी को कभी उतारा भी नहीं, हमेशा वो कफनी ही पहने रहा। इस हाल में ही माँ जमाल की ज़िंदगी उस कफनी वाले के साथ बीत गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी जिसे ख्वाजा हसन निज़ामी ने, ये सच्चे वाक़ियात हैं दरअसल, जिसे ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बेगमात के आंसुओं में लिखा है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई दास्तान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।